आपका टॉपिक चल रहा था सांख्यिकी, जिसमें हमने लास्ट टाइम में आपको मीन निकालना बताया था। मीन निकालने के हमने आपको सभी मेथड बता दी थी, माध्य विचलन विधि बता दी थी, पद विचलन विधि बता दी थी और सामान्य विधि भी हमने बता दी थी। आज आपको हम बताएंगे इसमें मीडियन हमें कैसे फाइंड आउट करनी होती है और मीडियंस के सम को हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्लास इंटरवल दिया गया है 35 to 45, 45 to 50, 55 to 65, 65 to 75। आफ्टर दिस फ्रीक्वेंसी दी गई है 8, 12, 20 and 10। हमको इसका मीडियम निकालिए यानी माध्यक या माध्यिका। क्या बोलेंगे? माध्यक या माध्यिका। मीडियम उसको बोलते हैं जब माध्यक है, या इसको हम बोलेंगे क्या माध्यिका, या फिर आपको इंग्लिश में उसको बोलते हैं मीडियम। ये आपको फाइंड आउट करना होगा, माध्यक माध्यिका जो बोलते हैं या मीडियम, ये आपको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। क्लासिक खबर उसकी बारंबारता दी जाएगी। देखिए किस तरह से माध्यम और माध्यिका निकालेंगे। पहले तो आप देखिए इसमें आपकी जरूरत क्या होगी। आप पहले टेबल बनाएंगे, आपने क्लास इंटरवल लिखी है 35 to 45, आफ्टर देन 45 to 55, देन 55 to 65 और लास्ट में आप आएगा 65 to 75। यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी ले लेंगे 8, 12, 20 and 10। अब यहाँ पर आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब संचयी बारंबार। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब संचयी बारंबारता आपको निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे? 8, 12, 20, 40 and 50। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म देखते हैं 50 आ गया, नंबर ऑफ टर्म पे आ गया है 50 आ गया। आपने क्या किया, पहले फ्रीक्वेंसी ली। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? जैसे फर्स्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 8 है या 8 ली देंगे, नेक्स्ट इंटरवल में क्या करेंगे, हमारी यहाँ फर्स्ट इंटरवल की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 8, उसमें अगले इंटरवल के अंदर फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, बार बार ऐड करेंगे, 20 आ गया। फिर अगले 20 में हम फिर 20 ऐड करेंगे, 40 हो जाएगा। ऐसे 40 में अगले वाले की हम फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे 50, यानी 8 + 20 + 20 = 40, 40 + 10 = 50। इस तरीके से हम लोग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म आपके टेन कितने हैं? 50 है। नंबर ऑफ टर्म टेन कितने हैं? आपके 50 दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम मीडियन क्लास देखेंगे। मीडियन क्लास में 50 का आप हाफ कर लेंगे, 50 का हाफ आएगा 25, क्या आएगा 25। देखिए फर्स्ट एट टर्म जो है वो यहाँ पर पड़ेंगे, फिर उसके बाद 9 से लेके 20 टर्म के तरफ यहाँ पड़ेंगे, 21 से लेके 40 टर्म इस इंटरवल में आएंगे और 41 से लेके 50 तक के टर्म आपके इस इंटरवल में आएंगे। आपका इसका हाफ 25 आ रहा है, मतलब 25 आपका यहाँ आएगा, 21 से लेके 40 तक के टर्म यहाँ पे आएंगे, यानी आपका क्लास इंटरवल क्या है 55 to 65। क्लास इंटरवल क्या है 55 to 65। देखिए तो मीडियम क्लास क्या आ गई आपकी, मीडियम क्लास आपकी आगे 55 to 65। यहाँ पर जो L1 है ये लोअर लिमिट है और L2 जो है वो अपर लिमिट है। L1 आपकी क्या होगी? लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास और L2 क्या होगी? अपर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपने इसको लिख लिया। लिखने का तरीका जो आपका मीडियम क्लास है इसकी फ्रिक्वेंसी के लिए जो कि कितनी 20 है और इससे पहले वाले इंटरवल की, इससे जस्ट पहले इंटरवल के ऊपर कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हो भी क्या 20 है। इस तरीके से आपने क्या किया, लोअर लिमिट लिख ली, अपर लिमिट लिख ली, फ्रीक्वेंसी लिख ली और उससे पहले जस्ट करके आपने क्या लिखी कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी को आपने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए आप लोग को निकालना क्या है, मीडियन क्या निकालना है, मीडियन से एम ई से लिखते हैं। फार्मूला होता है L1 L2 - L1 / (n2 - c), यानी माध्यिका निकालने के फार्मूला लगाएंगे L1 + L2 - L1 / (n2 - c). देखिए वैल्यू रख देंगे तो एम ई बराबर है, मीडियम बराबर L1 कितना आपका 55 + 65 - 55 / 20 ब्रैकेट में (n/2 - c), यानी 40 सॉरी 50/2 होगा। यहाँ पे साल कर लेंगे 55
प्लस 10 बाय 20 इनटू यहां पे 25 माइनस 25 5 4 जा 10 55 प्लस 2.5 57.5 आपका फाइंड आउट हो गया। देखिए यहां पर आपकी लोअर लिमिट क्या आई थी 55 अपर लिमिट 65 प्लस 20 आ गई। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 जो सजेस्ट पहले वाले इंटरवल की लेते हैं फार्मूला लगाएंगे m इक्वल टू l1 प्लस l2 माइनस l1 माइनस l2 माइनस c। यहां पे आपने क्या 55 प्लस 65 माइनस 55.20 50/2-20 इसको आपने क्या किया वैल्यू रख करके साफ कर लिया। इस तरीके से आपकी क्या मीडियन फाइंड आउट हो गई। ठीक है इस तरीके से आपको कोई भी टेबल दी हो आप उसकी मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इसके कुछ सम हम एक्सरसाइज रिलेटेड आपको बताते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के पहले फॉर्मूला का मॉड है बाद में मीडियम देंगे आपको पहले मीडियम वाली एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट देखिए अगला क्वेश्चन। Yes, students, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी दी गई है तो सॉरी क्लास कर दिया 0 से 10 10 टू 20 20 टू 30 30 टू 40 40 टू 50 50 टू 60 एंड 60 टू 70 फ्रीक्वेंसी दी है पहले की 10 20 10 इंटरवल के अपन नोन है हम यहाँ पर लेट कर देंगे सो उसके अपने अकॉर्डिंग एक्स इसके बाद 40 अगला वाला फिर नहीं पता उसको वाई एंड कर लेंगे 25 और 50 सम आपका फ्रीक्वेंसी 170 यदि नंबर आपका 170 है हमें मीडियम दी गई 35 हमें इसकी वैल्यूज बतानी है। तो सबसे पहले हम टेबल ड्रा करेंगे देखिए 0 से 10 10 से 20 20 टू 30 30 टू 40 40 टू 50 50 टू 60 एंड 60 टू 70 यह मैंने लिया इसके बाद देखिए यहाँ पर 10 है फिर 20 इसकी फ्रीक्वेंसी निकल रही है एक्स फिर 40 फिर वाई आफ्टर देन आपका 25 फिर 50 यहाँ पे एन की वैल्यू आपको दे रखी है 170 कितनी दे रखी है 170। अब यहाँ पे आप सी एफ ले लेंगे सी एफ आपका क्या होगा 10 प्लस 20 30 30 प्लस एक्स इसके बाद 30 प्लस 40 प्लस एक्स 70 प्लस एक्स प्लस वाई 95 प्लस एक्स प्लस वाई देन 110 प्लस एक्स प्लस वाई यानी यहाँ पे ये आपका निकल आया। ठीक है ये आपका ये भी नहीं होगा अगर देखें कि लास्ट में जो आपकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट इंटरवल की आती है वो आपके नंबर ऑफ टर्न ही होती है। देखिए 10 30 30 प्लस एक्स 30 प्लस 40 70 प्लस एक्स 70 प्लस एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस 110 एक्स प्लस वाई इस तरीके से हमने क्या किया कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स अब देखिए आपको यहाँ मीडियम दी गई सबसे पहले आपकी बात आती है कि यहाँ पे मीडियम क्लास क्या होगा। देखिए मीडियम क्लास मतलब मालिका वर्ग क्या होगा आपका यहाँ 35 दिया है तो 35 मतलब मीडियम क्लास 30 to 40 होगी क्या होगी 30 to 40 होगी इसकी लोअर लिमिट 30 अपर लिमिट 40 होगी फ्रीक्वेंसी और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकलेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 40 है और इससे पहले वाले इंटरवल की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 30 प्लस एक्स यानी इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 40 है इससे जस्ट पहले वाले इंपोर्टेंट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 30 प्लस एक्स है। अब आप फार्मूला लगा देंगे एम इक्वल टू एल वन एल टू माइनस एल वन अपॉन ब्रैकेट में एन बाई टू माइनस सी वैल्यू रख देंगे 35 इज इक्वल टू एल वन आपका 30 है प्लस 40 माइनस 35 अपॉन फ्रीक्वेंसी एफ एन बाई टू मतलब 170 बाई टू माइनस सी सी आपका कितना है यहाँ पे 30 प्लस एक्स देखिए स्टूडेंट भी 30 इधर ले आएंगे जब इधर ले आएंगे यहाँ 5 बचेगा इक्वल टू 5 अपॉन 40 ये 1/8 हो जाएगा ब्रैकेट 85 माइनस 30 माइनस एक्स देखिए 88 इधर आ जाएगा 40 इसमें से 30 माइनस करेंगे 55 माइनस एक्स एक्स भी इधर ले आएंगे तो हमारा ये कितना रहेगा 50 मीन्स ये समझ लीजिए क्या हुआ आपका 40 इक्वल टू 55 माइनस एक्स एक्स इक्वल टू 55 माइनस 40 एक्स कितना आ रहा है 50 तो ये एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली रह करके। अब देखिए वैल्यू आपका जो है ना वो 170 और एन क्या है 110 प्लस एक्स प्लस वाई यानी 110 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 170 है यहाँ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे
y इक्वल टू 170 माइनस 125, y आपका आ जाएगा 5 और 4 45, y की वैल्यू 45 आई और x की वैल्यू 15 आई, x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू क्या प्रोडक्ट कर ली 45 आ गई। स्टूडेंट अब देखते हैं इसका अगला सवाल क्या है और किस तरह से आपको सॉल्व करना है। Yeah.